हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बड़े दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, तो मैं आज जा रहा हूँ भजनपुरा पांचों पुश्ते में। वहाँ पर कौथिक हो रहा है हम उत्तराखंड वालों का, तो दिखाता हूँ आपको आज का व्लॉग और मिलाता हूँ आपको अपने दोस्तों से। चलो मिलते हैं व्लॉग में। तो भाई यहाँ से दो बंदर जा रहे हैं हमारे साथ, एक सौरभ रमोल है, एक दीप। हेलो तो कर दो गाइस। शाबाश, 10 रुपए दूंगा इसी बात में तुम्हें। तो गाइस दिखाता हूँ कैसे जाएंगे यहाँ से। चलो मिलते हैं फिर आगे के व्लॉग में। तो गाइस हॉस्पिटल के सामने मिल गया हमें आंसू रावत। क्या हाल चाल भाई? इसे हेलमेट देना था, ये मामी के साथ आएगा बाइक में। चल भाई मिलते हैं फिर कोचिंग में, ठीक है? अपना कोई भी नंबर जियो में पोर्ट कराएं। चल भाई बस का इंतजार करो अब। तो गाइस यहाँ पे ये स्टाइल मार रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, देखो। और ये बस भी आ चुकी है लेकिन इनकी फोटो शूट खत्म नहीं हो रही। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। गाइस देखो फिल्म आ चुके हैं यहाँ भाई। और जागर भाई इनकी वीडियो बनाओ पहले, उठाइयो। अरे भाई है आशो।
चेतन भाई आ चुके हमारे साथ। क्या हाल चाल चेतन भाई? थैंक यू भाई। यशु भाई आ चुके हैं। थैंक यू भाई। तरुण भाई, भाई ऐसे मारो मत। अंजु राणा, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। ओए ओए, दो ब्लॉगर मिलते हुए देखो ये भी ब्लॉग बना रहे हैं आप सबके सामने। हमारी संस्कृति को, हमारी लोक संस्कृति को पेश करने के लिए मैं दोबारा से बुलाना चाहता हूँ भाई। प्रवासी संघ का समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।